Yes, we are live now. Hello friends, येस वी आर Welcome back to फ्रेंडाल डिस्कशन करेंगे आईसीटी बिल्कुल नई यूनिट है न्यू कोर्स है और आईसीटी की डिस्कशन की सीरीज में फर्स्ट क्लास है इसके पहले ऑलरेडी जस्ट मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट किया है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड वाइज सारी क्लासेस चली अगर आपने क्लासेस को मिस किया है तो जरूर से देखिएगा कम्प्लीट प्रिपरेशन पेपर वन की यहाँ पे मैं आपको कराने वाली हूँ नए बैच के अंतर्गत में अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में सेशन होने वाला है आज हमारी दो क्लास है ये वाली जो क्लास है 45 फाइव टू फिफ्टी मिनट चलने वाली है इसके बाद पेपर वन की क्लास चलने वाली आईसीटी की इनफॉमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड क्लास हमारी पेपर टू कॉमर्स की है टेन पी एम शार्प आफ्टर दिस क्लास आप सभी को कहीं नहीं जाना है टेन पीएम शार्प हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी ठीक तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन एक बार आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए अब आप जैन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको काफी सारे और भी यूनिट्स को कंप्लीट करा रही हूँ हमारी पेपर वन की दो दो जगह पे यूनिट्स चल रही हैं इन स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं डेली बेसिस पे आप सभी लोगों के लिए क्विज भी ऑर्गेनाइज करती हूँ लीडर बोर्ड पर अपने रैंक को भी चेक कर सकते हैं औरों की तुलनात्मक आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लस आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है लर्न एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है अनलॉक कोड शेफाली यूडीसी टेन लगाएंगे तो आप सारी फ्री क्लासेस को मेरे एक्सेस कर सकते हैं ठीक तो ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है क्लासेस के पीडीएफ भी आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं बाकी सीएसआईआर के कुछ बैचेस चल रहे हैं आपकी इच्छा तो आप इन्हें भी देख सकते हैं आपके कोई फ्रेंड अगर इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं आपको इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सभी क्लास की पीडीएफ पेपर वन पेपर टू कॉमर्स दोनों की बात कर रही हूँ टेलीग्राम के इस लिंक पे यानी कि गैरडा पे आपको मिल जाएगा कुछ आठ के आसपास हमारी छोटी सी फैमिली टेलीग्राम पे भी जुड़ी हुई है तो आप जेन्यून वाले टेलीग्राम के चैनल से जुड़ेगा क्योंकि काफी सारे दो तीन और भी बन चुके हैं सेम नाम से जो मेरे नहीं है ठीक इसको आप देख लीजिए और अगर बात करें हम लोग सिलेबस का तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है रिसर्च हायर एजुकेशन ये तीन यूनिट्स ऑलरेडी हो चुकी है मिस किया है तो प्ले में जाके आप देख लेना इसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड जस्ट फिनिश किया है और आईसीटी बिल्कुल आज से शुरू कर रहे हैं ठीक तो ये तो था हमारा टाइम टेबल का स्लॉट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा लाइक like शेयर कर दीजिएगा जैसे जैसे आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं वैसे तो आप लोग कर ही देते हो बिना बोले भी और यूनिट नंबर आपकी सेवन आईसीटी इसमें कुछ चार बेसिक पॉइंट्स हैं मेजर पॉइंट्स एक तो है आईसीटी के जनरल एबिवियेशन एंड कुछ टर्मिनोलॉजी मीनिंग लिमिटेशन एडवांटेजेस ऑब्जेक्टि को समझेंगे उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इंट्रानेट ईमेल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली गिवेन नहीं है आपके टॉपिक में जैसे कि ए संक्रनस कम्युनिकेशन या ए संक्रनस टेक्नोलॉजीज एंड सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो जिनसे कि एन लगातार क्वेश्चन पूछता है इसके अलावा कुछ आपके डिजिटल इनिशियटिव है हायर एजुकेशन के अंतर्गत में जैसे स्वयं स्वयं प्रभाव कुछ मैंने आपको ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया था उन टॉपिक्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आईसीटी और आईसीटी कैसे गवर्नेंस से रिलेटेड है इन टॉपिक्स को कवर करेंगे फटाफट से आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए आई होप कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है सभी को गुड इवनिंग सभी को वेलकम नमस्ते राम राम, राधे राधे, अभिवादन जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है और आभार है अच्छा नवरात्रि का चल रहा है सेकेंड डे और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिवस है मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामना नहीं दे पाई तो नव वर्ष की क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा नव वर्ष है वो चैत्र माह के प्रतिपदा यानी कि कल की तारीख में शुरू हुआ है तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों का जो लक्ष्य है ईश्वर से यही प्रार्थना यही कामना है कि आगामी वर्ष में और ये जो आपका परीक्षा आने वाली है इसमें आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें चलिए फटाफट पट से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन मैम आपने अन अकेडमी पर भी कराया है हाँ इसको मैंने अन अकेडमी पर भी कराया हुआ है बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम हो रहा है ठीक तो स्टार्ट करें फुल पावर के साथ में आज का ये सेशन चलिए तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आईसीटी के बारे में ऑडियो वीडियो ठीक है ना एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे ताकि हम लोग सेशन को प्रोसीड करें अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषा में होने वाला है सेशन तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा स्लाइड्स आपको इंग्लिश में रहेगी बट आ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देने वाली हूँ अच्छा वीडियो स्टॉक हो रही है एक बार मुझे कन्फर्म कर दो हाँ कॉमर्स क्लास दस बजे होगी पूनम रोहिला मैम वीडियो स्टक हो रही है एक मिनट जरा मुझे देखने दो मैम ठीक नहीं है अच्छा एक बार मुझे बताओ कि वीडियो क्या ठीक है क्या कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो स्टक हो रही है बीच बीच में हो तो फिर चलेगा बट ज़्यादा स्टक नहीं होना चाहिए यस मैम ऑडियो ठीक है अगर वीडियो ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो को यहां से बंद कर दू मुझे तो लग रहा है से सब ठीक ठाक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले तो ओवरव्यू ले लेते हैं आईसीटी का इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये तीन अलग अलग शब्द से बना हुआ है पहला क्या सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कि संचार या संप्रेषण टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक तो सूचना को और संचार या संप्रेषण को जब आप तकनीक से जोड़ देते हैं तो इन तीनों अलग अलग टर्म्स को ही जोड़ करके आईसीटी बना हुआ है अब इसका रेलिवेंस क्या है यूजीसी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके यूनिट में क्यों डाला है क्योंकि देखिए ये एक ऐसा विषय है जिससे कि हर एक व्यक्ति आज की डेट में घिरा हुआ है फिर वो चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो क्योंकि आप भी अभी आईसीटी का इस्तेमाल करके इस क्लास को ले रहे हैं और फिर बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो सभी लोग इंटरनेट की दुनिया से सैटेलाइट की दुनिया से अब आईसीटी का मतलब सिर्फ इंटरनेट ही नहीं आईसीटी का मतलब सेटेलाइट भी हो गया जो टेलीविजन आप घर पर देखते हो आईसीटी में प्रिंट मीडिया भी आ जाती है न्यूज जो आप देखते हो आर्टिकल्स जो आप पढ़ते हो ये सारी चीजें बेसिक कंप्यूटर टर्म से लेकर के प्रिंट मीडिया से लेकर के सैटेलाइट इंटरनेट इंटरनेट इन सब चीजों को लेकर के मिला है वो है आपका क्या आईसीटी अब आईसीटी का जो यहाँ पे रीच है वो आज के डेट में काफी ज्यादा वाइडन अप हो चुका है रीजन क्योंकि अब आपके जो एजुकेशन सेक्टर की बात करें काफी सारे गवर्नमेंट आज की डेट में इनिशिएटिव ले रही है स्वयं स्वयं प्रभा के माध्यम से जो कि डीटीएच के माध्यम से यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से घर घर में स्पेशली रिमोट एरियाज में डिसडवांटेज एरियाज में क्या कर रही है आप लोगों को टीवी के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर करें और आपको ज्ञान दे रही है साथ में आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी करा रही, है। इसके काफी सारी करा रही है तो इन सारी चीजों को करने के लिए आईसीटी में हमें यानी कि इंडिया को बहुत आगे होना पड़ेगा तो एजुकेशन सेक्टर काफी सारे चैलेंजेस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं दो फैक्टर्स की वजह से क्यों आईसीटी को यहाँ पे लाया जा रहा है दो बेसिक फैक्टर क्योंकि पहला तो फैक्टर यह है कि कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमारी जो देश की आबादी है वो चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आप सभी को पता है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से यानी कि जो त्रिगुणात्मक तरीके से यानी कि मल्टीप्लाई बाई थ्री हर साल त्रिगुना तेरी से यहाँ पे पॉपुलेशन वो बढ़ रही है अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बच्चे ही तो पैदा होंगे ना कोई बुजुर्ग तो पैदा होंगे नहीं अब बच्चे पैदा होंगे तो वही बच्चे तो स्कूल भी जाएंगे और स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो आज की डेट में स्कूली शिक्षा को हमने क्या कर दिया है तकनीकीकरण कर दिया है टेक्नोलॉजी वाइज कर दिया है सीख करेंगे एडमिशन यानी कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और अपने आप को एडुकेट करना चाहेंगे इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बच्चे एडमिशन लेंगे बच्चे एडमिशन लेंगे तो स्कूल खोलना पड़ेगा स्कूल खोलना पड़ेगा तो हमें ज्यादा ट्रेन टीचर्स को रखना पड़ेगा और ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रखना पड़ेगा तो किस प्रकार से आप अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं या चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या प्रिंट मीडिया सेटेलाइट का इंटरनेट का इनके माध्यम से शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करने लगे शिक्षा

यहां पे आप क्या कर रहे हो इंपार्ट इंपार्ट का मतलब होता है प्रदान करना क्या प्रदान करोगे नॉलेज प्रदान करोगे किसको करोगे स्टूडेंट्स को करोगे स्टूडेंट कहां से आएंगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन से आ रहे हैं तो यहां पे नॉलेज को एक्मलेटिव बोला गया का मतलब क्या होता है इकट्ठा करना संगठित करना ठीक इतनी बात समझ में आई अब यहां पे अब आपको पता है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक किससे घिरे हुए हो रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर मोबाइल फोन कंप्यूटर

कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये किसके अंतर्गत में आता है ये आईटी के अंतर्गत में आता है यानी कि पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में एक पार्ट है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब हायर एजुकेशन में इसको लाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था यानी कि उच्च शिक्षा में आईसीटी को लाने का क्या मुख्य उद्देश्य था तो तीन फंडामेंटल हमारे पास में चैलेंजेस थे यानी कि तीन मौलिक हमारे पास में संघर्ष थे समस्याएं थी पहला ये कि हमारे पास में एक्सेसिबिलिटी का इशू था मतलब सभी शिक्षा को समान रूप से इक्विलिटी लेवल पे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो सबसे पहला क्या इशू हुआ एक्सेसिबिलिटी का यानी प्राप्त करने का क्या प्राप्त करने का शिक्षा को प्राप्त करने का दूसरा क्या इशू था इक्विटी का जिसके पास में आईसीटी है या जिसके पास में पैसे हैं स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं वो तो जाकर के स्कूल में या कॉलेज इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली लेकिन जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जो गांव में रहते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके पास में शहर में जाने के पैसे नहीं है या है तो कम है या इतना नहीं कि वो कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सके या हॉस्टल की फीस अफोर्ड कर सके तो यहाँ पे हमने इक्विटी के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस कंटेक्स को हमने ध्यान में रखते हुए आईसीटी को हम लेके आए साथ में हम क्वालिटी की बात करते हैं ऐसा नहीं कि अगर हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पढ़ा रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग हम कर रहे हैं तो हम आपको कुछ भी पढ़ा देंगे हमने एक चीज समझा कि करिकुलम इज नॉट गोइंग टू चेंज यहां पे एक लाइन लिखी थी इसको आपने ध्यान से समझा या नहीं समझा देखिए माय डियर फ्रेंड्स हम सभी को कंसेप्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि सेम एक्जैक्टली exactly जो लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है ये सारे क्वेश्चन के ऑप्शन की लाइन्स मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है आपको ये कोई भी आपको ये पैराग्राफ बकायदा कॉपी पेस्टेड नहीं है ये सारे आपके क्वेश्चन की लाइन एक्जैक्टली exactly यही लाइन आपको दिया जाता है और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में चूज करना पड़ता है कि ये जो लाइन है, है ये स्टेटमेंट है एज अ स्टेटमेंट ये आईसीटी के रिफलेंस में आईसीटी के ओवरव्यू में कितना सही है और कितना गलत है तो एजर्शन और रीजन के काफी क्वेश्चन आते हैं

मैम आईसीटी इंक्लूडिंग है या आईटी इंक्लूड्स इंक्लूड है आई के अंतर्गत में आईसीटी है शॉर्ट गॉट गॉट यू डिड पॉइंट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस दिस इज 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 अ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्ट ऑफ राइट बिकॉज आईसीटी अपने में बहुत बड़ा है द नेक्स्ट वन इफ यू मूव टूवर्ड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन सो यू एनडीपी ने एक डेफिनेशन दिया सबसे पहले तो यू एनडीपी का फुल फॉर्म अपने में इंपॉर्टेंट है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी अच्छा इस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादातर फुल फॉर्म्स के एब्रीविएशन के एंड आपके जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना उनके क्वेश्चन आते हैं तो so, यूएनडीपी का फुल फॉर्म पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में भी काफी पूछता है और आईसीटी में भी पूछता है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो ये क्या डेफिनेशन देते हैं आईसीटी की बट आईसीटी इज ब्रॉडर देन हा आईसीटी इज ब्रॉडर बट आई टी सी आई सी टी कम्स इन आई टी सेक्टर आई टी इज अटर आई टी इज अ सेक्टर बट आई सी टी इज नॉट अ सेक्टर आई सी टी इज जस्ट अ टॉपिक आईटी का अलग सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर है एडुकेशन सेक्टर है उसके अलावा आपके जितने भी सेक्टर्स है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है एविएशन सेक्टर है ये सारे आपके सेक्टर्स हैं सेक्टर्स के अंडर में आपके कई सारे पार्ट्स होते हैं होते हैं वाइफरकेशन होते हैं सो आई इज अ पार्ट ऑफ आई इस चीज को लाइन याद रखेगा क्योंकि ये लाइन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डस आई कम्स अंडर आई और आई टी कम इन अंडर टी सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अच्छा इसको हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा अभी देखो देखो आईटी का जो एक सेक्टर है उसमें आपके प्रिंट मीडिया उसके बाद अ, इलेक्ट्रिक मीडिया सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन जो आप टेलीफोन्स यूज करते हैं वो सब कुछ आ जाता है आईसीटी सिर्फ उसका एक पार्ट है अभी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ आईसीटी पार्ट है इतना ही आप समझिए मैं आगे इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा दूंगी तो आपको ज्यादा ये चीज वेरीफाइड हो जाएगी ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक डेफिनेशन को समझते हैं जो कि यूएनडीपी ने दिया हुआ क्योंकि ये डेफिनेशन यूएनडीपी <coughs> ने दिया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी क्या बोलती है आईसीटी आर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स इन्होंने आईसीटी को बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया ये बोल करके कि बेसिकली इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए टूल्स है मतलब एक यंत्र बोल दिया कौन से इंफॉर्मेशन को जैसे कि गुड्स एप्लीकेशन अब गुड्स का मतलब यहाँ पे वो वस्तुओं से नहीं है गुड्स का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर से है गुड्स का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन से है ठीक देखो कोई भी सेक्टर कोई भी कंपनी दो ही तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करती है इधर दे प्रोड्यूस गुड्स दो तरीके के ही आपके प्रोडक्ट होते हैं इधर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग गुड्स और दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सो आईसीटी सर्विस सो इफ वी अंडरस्टैंड द गुड्स वाला टर्म जो यहां पे रि, रिबलेंस करता है दैट इज आपके सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन जो आप लोग ये प्ले स्टोर से सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आर डिफरेंट एंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ओबीएस हो गया बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप आईसीटी में क्या करते हो इनके सर्विसेज को यूज करते हो तो यूएनडीपी uh, एन ने बोला कि आईसीटी एक तरीके का इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स है जहां पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस यूज होते हैं और सर्विसेज यूज होते हैं क्यों ताकि हम प्रोड्यूस कर सके क्या डेटा ताकि हम स्टोर कर सके क्या डेटा मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन को इतनी बात समझ में आई ये सारी चीजें ये सारी चीजें की प्रोसेसिंग हो रही है आईसीटी के अंतर्गत अब यहां पे टूल्स में बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं कुछ नए टूल्स हैं जो कि अभी यानी कि हाल फिलहाल में क्योंकि आईसीटी तो अपग्रेड हो रहा है ना टाइम टू टाइम तो कुछ नए टूल्स इसके अंतर्गत में और कुछ पुराने टूल्स में है। पुराने टूल्स में क्या हो सकता है जैसे कि रेडियो टेलीविजन टेलीफोन ये सारे आपके पुराने देखो ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन यूएनडीपी ने दिया है यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बहुत बेसिक सा चीज है बट एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में याद रहेगा क्वेश्चन करोगे तो एलिमिनेशन मेथड या करने में आसान हो जाएगा न्यू आईसीटी टूल्स में क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर अब कंप्यूटर में भी आपके बहुत सारे वेरिएशन आ रहे हैं बहुत सारे अपडेशन हो रहे हैं लाइक सेटेलाइट जी सैटेलाइट नाम सुना है जी सैटेलाइट कहां हमने पढ़ा था जी सैटेलाइट ये क्या करते हैं ये आपके स्वयं और स्वयं प्रभा के नाम के जो चैनल है उन पे अपने प्रचार अपने प्रोग्राम को प्रसार करने के लिए प्रचार करने के लिए उनको टेलीकास्ट करने के लिए जी फिफ्टीन सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल वायरलेस टेक्नोलॉजी पहले नहीं था वाईफाई वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है कौन बताएगा वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म है वाईफाई का ठीक अच्छा तो मैंने ही बता दिया तो जितने भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज है जो इंटरनेट है ये सारी चीजें आपके क्या है इन दोनों चीजों को आप क्लब कर लो तो ये सारे आपके आईसीटी के टूल्स हैं इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं जो कि आप नेटवर्क वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हो जैसे इंटरनेट हो गया रेडियो टेलीविजन जो कि नुक एंड कॉर्नर जो भी आपके ग्लोब के नुक एंड कॉर्नर पे जाकर के यहाँ पे स्टर्डाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए मैसेब इन जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक है बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन है बहुत ही अमेजिंग सी यूनिट है और इसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है तो आईसीटी के टूल्स को और हम समझे तो बेसिक बेसिक रेडियो टेलीविजन अब टेलीविजन में भी अभी क्या है कि आज के एल में एलसीडी और एलईडी का है किसी जमाने में ये बहुत ही भारी हुआ करती थी और अभी तो बहुत ही स्लिम ट्रिम का जमाना हो गया है कंप्यूटर में भी वही सेम चीज है डेस्कटॉप पर पहले तो पूरा बकायदा बहुत ही बड़ा बड़ा होता था अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे ई नियक आया था फर्स्ट आपके डिविजन में कौन कौन से थे सेकेंड आपके स्लॉट्स में कौन कौन से कंप्यूटर आए वायरलेस सेट्स है फिर इंटरनेट है और बहुत सारे आपके एडवांस लेवल पे फोन है ब्लूटूथ है वायरलेस फिडेलिटी, बिल्कुल सही पीहू ने बताया स्वयं प्रभाव तो ये सारी चीजें हैं अब ये सारे आप इसे राउटर्स हो गए राउटर पहले नहीं था राउटर अभी आया पीडीए डिजिटल कैमराज एमपी प्लेयर्स हेडसेट्स लैपटॉप्स, फ्लैटेबल स्कैनर्स वेब कंप्यूटिंग थिंग्स ऑल दीज थिंग्स आर द न्यू सेगमेंट्स ऑफ आईसीटी तो इन सारी चीजों को आप राउटर कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है जो भी आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के नेटवर्क होते हैं ये उनको मेन सर्वर से लेता है और आपके सर्वर से इसको कनेक्ट करता है राउटर को समझेंगे ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अमेजिंग से तरीके से मैं आपको बहुत ही लाइव एग्जाम्पल से समझाऊंगी सारी चीजें समझ में आएंगे राउटर से क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में ये आगे टॉपिक मैंने डाला है आपका आगे की आ, मतलब आगे के टॉपिक्स में राउटर और ये सारी चीजें हैं ठीक तो ये चीजें समझ में आई अभी का जमाना है मतलब अभी देखो पेन पेन के को को यूज करके मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर लिख रही हूँ पहले नहीं था तो ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं अब आईसीटी और एजुकेशन ये दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है आईसीटी समझ में आ गया यूएनडीपी ने एक डेफिनेशन दिया आईसीटी का जिसमें उन्होंने आईसीटी को एक टूल बोल दिया क्यों टूल बोला उन्होंने ये कहा कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट और एक्सचेंज करने के लिए ये सारी चीजों को हम आईसीटी को इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल ठीक अब क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं ये सारी चीजें अब यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि ओल्ड कौन से न्यू कौन से और टूल है और टूल बोला भी किसने यूएनडीपी ने बोला अब आईसीटी एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है तो यहाँ पे क्रॉस एंड एडम ने चार बेसिक रेशल्स दिए रेशल्स का मतलब तर्क रेशन का मतलब तर्क तो क्रॉस और एडम ने बोला कि चार तर्क दिया क्यों किसके बेसिस पे बोला कि आईसीटी और एजुकेशन दोनों आपस में जुड़ने चाहिए जुड़ने क्यों चाहिए पहला तो सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ने चाहिए दूसरा वोकेशनल यानी कि ट्रेनिंग कार्यशाला उत्पन्न करने के लिए तीसरा कैटलिटिक कैटेलिटिक का मतलब हुआ उत्प्रेरक समथिंग विच अर्ज यू मोटिवेट जो करता है आपको कैटलिटिक का मतलब क्या हुआ उत्प्रेरक जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है अर्ज करता है किसी चीज को समझने के लिए या अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एंड लास्ट वन इज पेडागोजिकल का मतलब यहां पे शिक्षण शास्त्र से हो गया पेडागोजिकल का मतलब शिक्षण शास्त्र मेरी स्पेलिंग पे प्लीज मत जाना हिंदी वाली स्पेलिंग पर भाव को बस समझना कैटोलिटिक का मतलब उत्प्रेरक उत्प्रेरक है ना तो ये चार चीज बोला किसने क्रॉस और एडम ने ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माय डियर फ्रेंड्स क्रॉस एंड एडम ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग मुझे जरा तो टाइम का अंदाजा दिलाना टाइम एक्सीड ना हो जाए क्योंकि शार्प टेन पीएम पे आपकी वो वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी कॉमर्स वाले बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं हमारे साथ जुड़े हुए उनका कॉमर्स है सभी को दस बजे हमारी कॉमर्स की क्लास चलने वाले यहीं पर तो वो उसको मैंने स्कड्यूल कर दिया हुआ है दस बजे क्लास शुरू हो जाएगी तो दस बजे आप सभी लोगों को वो वाली क्लास भी देखनी है ठीक काफी टाइम से आप लोग कॉमर्स क्लास के लिए परेशान थे तो पहला हमने जो तर्क दिया सामाजिक तर्क सामाजिक तर्क क्या मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए क्योंकि तकनीक का जो इस्तेमाल है या तकनीक की जो पहुंच है टेक्नोलॉजी आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में और स्टूडेंट की आज की डेट में नीड बन चुकी है जरूरत बन चुकी है क्या कि तकनीक के माध्यम से सीखने के लिए अब कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन आई पेंडेमिक ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया छोड़ दो वर्ल्ड पेंडेमिक सिचुएशन आई ठीक अभी सिचुएशन में अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती YouTube नहीं होता तो हम आप कैसे मिलते अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बहुत सारे लोग के व्यापार ठप हो जाते बहुत सारी चीजें ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बट हमारी सोसाइटी के लिए इन लार्ज अगर हम समझे तो यहाँ पे एक पहला तर्क निकल के आया दूसरा वोकेशनल यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे जॉब्स को पाने के लिए यानी कि बहुत सारे जॉब्स को एक्वायर करने के लिए प्लेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि सारे बहुत सारी एमएनसीज आ रही है ना इंडिया में अब एमएनसीज है मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर की कंपनीज है भारत में आएंगी तो ऑब्वियसली उनका एक जो मार्केट का रीच रहेगा जो सेगमेंट रहेगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ट सेगमेंट रहेगा उनको रिपोर्टिंग करनी रहेगी अपने कंट्री में या अपनी कंट्री से कोई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पास ऑन करना पड़ेगा अब वो लिखे जो खत तुझे वाला तो हिसाब किताब नहीं चलेगा ना कि पता चला वो कबूतर को खत मतलब खत लिख करके कबूतर के पैर में डाल करके जो एक जमाने में इंफॉर्मेशन को किया जाता था अगर वैसे करने लगे तो शायद एक बात को दूसरी तरह जगह तक पहुंचने में ही सालों लग जाएंगे तो वो जमाना तो गया ठीक तो उसी तरीके से यहाँ पे एमएनसीज आ रही हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आ रही हैं आईसीटी का एडवांसमेंट हो रहा है तो उसे हमें सीखना होगा तभी हम जॉब भी ले पाएंगे और वो ओरिएंटेशन भी हम सीख पाएंगे ठीक और बात करें से रेड टेपिज्म का जमाना था रेड टेपिज्म लाल फिता शाही। उसमें क्या होता था किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए एक छोटा सा अप्रूवल लेने के लिए भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा थी यानी कि यहां पर लोकतंत्र जो था एक बात दूसरी जगह से पहुंचाने के लिए महीनों महीनों भर का समय लग जाता था एक परमिशन को लेने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता था तो वो एक बात थी वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि हमने कार्यशाला के हिसाब को ध्यान में रखते हुए यानी कि प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए जॉब ओरियंटेशन को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि आईसीटी को एजुकेशन को क्या करना होगा आपस में लिंक करना पड़ेगा तीसरा ये था कैटालिटिक बहुत ही बढ़िया अंकुर दास जी बहुत ही बढ़िया आज क्विज का क्विज का सेशन नहीं होगा रीजन बींग की आज हमारी दो क्लास है लगी हुई क्विज का सेशन आज नहीं होगा ठीक आज प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा मैम कबूतर कहीं और ही जा रहा पता चला हाँ कुलविंदर <laughs> तो वही बात है ना पता चला कि कबूतर कहीं और ही चला गया आपका खत कहीं किसी और ही ने पढ़ लिया तो वो जमाना तो गया अभी ठीक कैटेटिक मतलब उत्प्रेरक कैटरेटिक में हमने क्या समझा कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए अब फॉर एग्जांपल अभी आप पीपीटी देख सकते हो इमेजिन करो कि ये पीपीटी नहीं है आप मुझे भी नहीं देख पा रहे हो सिर्फ मेरी आवाज को सुन पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग होगा कितना अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे तो कहीं कही ना कहीं आपकी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप, आपका एक तो टाइम भी सेव होता है प्लस अच्छा सिर्फ यहाँ ही नहीं ऑफलाइन क्लासेस में भी प्रोजेक्टर ओ का यूज होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज होता है ट्रांसपेरेंसीज का यूज होता है बड़े बड़े सेमिनार्स में या क्लासेस में भी अगर आपने एम किया होगा किसी होगा किसी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो आपने देखा होगा कि कितनी टेक्नोलॉजी का यूज करके पीपीडी प्रेजेंटेशंस वगैरह बना करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जाता है तो ये होगा पॉइंट ऑफ व्यू फिर लास्ट है आपका पेडागोजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं इसको अंडेस्टिमेट नहीं करेंगे आप लोग लास्ट है पेडागोजिकल यानी कि शिक्षण शास्त्र शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या हुआ शिक्षण शिक्षण शास्त्र का शिक्षण कैसे लिखाएगा भाई कोई लिख के बताओ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं शिक्षण लिख नहीं पा रही हूँ शिक्षण अच्छा ओके ऐसे लिखाएगा शिक्षण है ना यही है ना शिक्षण शास्त्र शर्म आ गई मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी ठीक है तो शिक्षण शास्त्र माने पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ाओगे कैसे इसी चीज को जानना ही बोलते हैं पैडोलॉजी यानी कि आपने पढ़ तो लिया आपने जान तो लिया लेकिन अब आपको तो पढ़ाना है किनको बच्चों को पढ़ाना है चाइल्ड को पढ़ाना है तो आप उनको कैसे पढ़ाओगे दो वर्ड है अलग अलग एक तो पैडोलॉजिकल लर्निंग दूसरा एंड्रागोजिकल लर्निंग जो पैडोलॉजिकल लर्निंग होती है वो चाइल्ड को पढ़ाने से संबंधित है और जो एंड्रागोजिकल है वो

टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्हांसिंग लर्निंग यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्या करे हो लर्निंग को इन्हांस करना चाहते हो मोर फ्लेक्सीबल करना चाहते हो साथ में इफिशियंसी के साथ में कोर्स डिलीवरी करना चाहते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन इफिशियंसी एंड इफिशियंट इफिशियंट और इफेक्टिव में क्या अंतर है कौन बताएगा इसको मैं कई बार बता चुकी हूं और ये बहुत important है है का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रभावी तरीके से करना बेस्ट तरीके से करना इफिशियंट का मतलब क्या होता है कि सही समय पे सही व्यक्ति के द्वारा सही प्रभाविता के द्वारा करना यानी कि सही टाइम पर सही व्यक्ति के द्वारा सही ड्यूरेशन में सही चीज को करना क्या हो गया आपका इफिशियंट हो गया इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ प्रभावी तरीके से आप किसी चीज को कर देते हो बजाय आप उस चीज को दो घंटे में करो चार घंटे में करो उस बात से कोई फर्क नहीं है इफिशियंट का मतलब सही समय पर जिस चीज को पांच मिनट में होना चाहिए और जिस समय होना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए उस तरीके से करना ठीक आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसमें ये चार चीज आपने समझी ये बहुत इंपॉर्टेंट का ये नाम याद रखिएगा इसको क्रैमिंग कर लेना चाहे तो सोशल वोकेशनल कैटोलिटिक और पेडागोजिकल यहां से क्या बनते हैं एक मैचिंग का क्वेश्चन तो आ ही जाता है क्योंकि क्रॉस एंड एडम ने फोर बेसिक्स दिए हैं रेशनल्स के द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ द नेक्स्ट इज ने वेरियस ऑफ आईसीडी प्रोडक्ट है बहुत सारे आईसीडी के प्रोडक्ट जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऑब्वियसली आप बात कर रहे हो तो अपने साथ में चार पांच लोगों को जोड़ के बात कर सकते हो ई e सभी जानते हो वैसे इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि आई क्या होता है एस क्या होता है एस क्या होता है ई e का एक अलग ही टॉपिक है डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है टीवी लेसेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट का मतलब एक ही साथ कई सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देना रेडियो के माध्यम से तो वो आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया टीवी ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ एक ही साथ में टीवी के माध्यम से कई सारे लोगों को अपनी बात पहुंचा देना जैसे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग है ना एक फीचर ब्रॉडकास्ट में क्या करते हो एक ग्रुप बनाते हो दो लोगों को एड करते हो एक मैसेज डालते हो दो लोगों तक पहुंच जाता है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक ही वक्त में अच्छा ब्रॉडकास्टिंग से भी एक क्वेश्चन आता है यह मैं समझना कि मैम ब्रॉडकास्टिंग बता रही है फालतू का टॉपिक है फालतू का टॉपिक नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट से भी क्वेश्चन आता है एक ही समय पे कई सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना दैट मीन ब्रॉडकास्ट ब्रॉड का मतलब चौड़ा बड़ा कास्ट का मतलब पहुंचाना तो बहुत सारे लोगों को अपनी बात एक ही वक्त में पहुंचा देना दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग मैम प्लीज सी आवर कमेंट्स क्या हुआ भाई आवाज नहीं आ रही क्या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हमारे कमेंट्स को देखिए क्या है आपके कमेंट्स बताओ देखो मुझे परेशान मत करिए आप लोग आपके कमेंट्स में देख ही रही हूं बीच बीच में ऑडियो वीडियो अगर कुछ दिक्कत हो तो उसका बताया करिए मुझे आप लोग है ना क्योंकि लास्ट के फाइव मिनट्स में ओपन डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे क्या चीजें हो रही है ये किसने बोला वैसे प्लीज ये और कमेंट ऐसा करके क्लास को प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत करिए मैम टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्लासेस हुए आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड के रूहिन जी uh, ग्यारह क्लास हुई है और एक एनसीक्यू की क्लास हुई है ग्यारह क्लास में मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा है एक एक घंटे की क्लास है आराम से आप दो तीन दिन में देख करके रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो ठीक आज क्विज नहीं होगा भाई बता तो दिया आज क्विज नहीं होगा अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हो रही है यहां पे हमने टीवी लेजेंस देखा रेडियो ब्रॉडकास्ट इंटरएक्टिव रेडियो काउंसिल्स इंटरक्टिव देखो ये फुल फॉर्म अपने में इंपॉर्टेंट है क्या ये फुल फॉर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आईवीआरएस इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामिनेशन में एव्रीवियशन एग्जैक्टली आईवीआरएस आईवीआरएस का फुल फॉर्म क्या है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि आप देखते हो कि जब वन नाइन एट पे कॉल करते हो ना वन नाइन एट क्या है कंप्लेट नंबर है जो आप फोन से कॉल करते हो कभी बैंक को कॉल करो या कभी कस्टमर केयर को कॉल करो तो वो लोग क्या बोलते हैं कि प्लीज प्रेस वन टू गो इन दिस सेगमेंट प्लीज प्रेस टू टू टॉक टू या जो भी है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से या जो भी है आपका तो वन टू थ्री फोर ऐसा आप बोलते हो वो बोलते हैं एस यानी कि वॉइस के हिसाब से वो रिस्पॉस सिस्टम जो आप टाइप करोगे इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम उसको बोलते हैं फिर आपका ऑडियो कैसे कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप सीडी रोम बोलते हैं ये सारी चीजें आपके एजुकेशन पर्प एजुकेशन के फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज से यूज होती है अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको समझेंगे कि जो आईसीटी है एजुकेशन के अंतर्गत में करेंट थिंकिंग में यानी कि करेंट सिचुएशन में किस तरीके से काम कर रहा है तो अगेन तीन चीज इंपॉर्टेंट है क्या तीन नाम तीन चीज इंपॉर्टेंट है आईसीटी एजुकेशन हमने आईसीटी को समझा आईसीटी को एजुकेशन से जोड़ दिया जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रही हूं उसके बाद में आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन देखो अंतर है दोनों में अभी समझाऊंगी क्या डिफरेंस है पहले नाम को समझो पहला आईसीटी एजुकेशन दूसरा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन फिर तीसरा है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन तीन अलग अलग टर्म है ना अब समझो आईसीटी क्या बोलता है यानी कि आप मैन पावर को क्रिएट करने की बात बोल रहे हो और उनको ट्रेनिंग देने की बात बोल रहे हो यानी कि आईटी के बारे में यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सोसाइटी को नॉलेज देना और मैन पावर यानी कि लोगों को इंप्लॉयबल बनाना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना क्योंकि इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे इनका नेटवर्क होगा अब उसको चलाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि चलाना कैसे है तो उसके लिए आपको स्किलफुल बनाना यानी कि मैन पावर को डेवलप करना उसके बाद में द मोटिवेशन टू ट्रेन पीपल इन ऑर्डर टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ आई टी इंडस्ट्री आई टी एक इंडस्ट्री है अपने में एक सेक्टर है अपने में बहुत बड़ा जहां पे घिरा हुआ है किससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से तो यहाँ पे आईटी टी एडुकेशन का क्या रोल हुआ जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई स्वयं प्रभा की या स्वयं की या जो भी आपके लर्निंग की बहुत सारे ई e लर्निंग हो गए आपके ई e यंत्र हो गए इसकी इनिशियेटिव लेके आते ना गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट तो उस इनिशिएटिव के पीछे बहुत बड़ा इनका आईटी का बैकअप होता है सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होगा अब जो चीज आप अपने टेलीविजन पे स्वयं प्रभा के माध्यम से देख रहे हो वो देख रहे हो आप ठीक है लेकिन उसको दिखाने के पीछे जो सैटेलाइट बना होगा जिस सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट किया गया होगा और उसके अलावा जब चैनल को प्रिपेयर किया गया होगा तो उसके पीछे बहुत सारे आपके इसमें छोटे छोटे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी जुड़े होंगे जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ होगा बहुत सारे हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ होगा किसने किया होगा किसी व्यक्ति ने किया होगा ना तो उस व्यक्ति को इस लायक बनाना इतना स्किलफुल बनाना कि वो इन सारी चीजों को सीख सके तो आईसीटी इन एजुकेशन का मतलब आईसीटी के बारे में लोगों को एजुकेट करना एक बात दूसरा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन अब हमने ट्रेन कर दिया है लोगों को मैन पावर क्रिएट कर दिया है पीपल को स्किलफुल कर दिया है अब उसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन आईसीटी का इस्तेमाल करके प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करती हैं या मल्टीमीडिया एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही हैं या टीवी और प्रोग्राम्स के माध्यम से ऑडियोस के माध्यम से या वीडियो टेप्स के माध्यम से आईसीडी जिस जिस एजुकेशन को सपोर्ट करता है उन सभी को यूज करके सी के फॉर्म में मल्टीमीडिया के फॉर्म में इस्तेमाल करके हम लेसन को ऑफर करना हमने शुरू कर दिया एक स्टेप आगे हो गए हम लोग बिल्कुल एक स्टेप हम लोग आगे हो गए मैम क्या आपकी कोई बुक पब्लिश हुई है मंजारी सिंह जी कोई बुक पब्लिश हुई नहीं है बट सारी चीजें मेरे माइंड में है उसको भी करूंगी धीरे धीरे सब कुछ सब कुछ है माइंड में उसको भी करेंगे बुक मेरा एक्चुअली है पेपर वन की बुक पब्लिश मैं करने ही वाली हूँ माइंड में काफी सारी चीजें आगे

तीसरा क्या है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन हमने आईसीटी को समझा कि आईसीटी में एजुकेशन को कैसे हमें इनकॉर्पोरेट किया लोगों को स्किलफुल बनाना है मैन पावर एजुकेशन पॉलिसी गवर्न फलाना निमकाना इनिशिएटिव लेके आ रही तो उसको संभालने के लिए उसको करने के लिए बैकएंड में जो हमें चाहिए उसके लिए दूसरा आईसीटी को सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम तीसरा आईसीटी इनेबल जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक बड़ा वाइडेन बिल्कुल ठीक अब बहुत सारे एडुकेशनल प्रोग्राम जो कि प्योरली डिलीवर्ड किए जाते हैं आईसीटी आईसीटी को यूज करके यूजिंग एज एज अ बेसिक फॉर फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस जो आपकी इग्नो कराती है राइट right? तो मैम उसके लिए क्विज करना होगा सौ के लिए नहीं क्विज क्विज भी कर सकते हो वो मैं तब डिसाइड करूंगी कि कैसे आप लोगों को पहुंचाना है कैसे आप लोगों को देना है एक छोटा सा मीटअप रख सकते हैं फिर तो जो इस मीटअप में आएंगे उनको मैं दे सकती हूँ मल्टीपल तरीके हैं करने का है ना मल्टीपल चीजें हैं करने का और uh, सभी लोग एक बार प्लीज टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाओगे ग्ञान सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे या तो लिंक आपको मिल जाएगा सर्च कर लो ज्यादा बेटर है फिर आपको काफी सारी चीजें वहां पर पता चल जाएंगी ठीक तो ये इतनी बात समझ में आई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से और ये देखो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रस्ट मी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब यहां पे चार लेवल से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में क्या फोर लेवल्स ऑफ लर्नर्स लर्नर्स के चार लेवल होते हैं नई एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत यानी कि नई शिक्षा प्रणाली यहां से भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है अब ये सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया बट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है ये ठीक तो एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत में लर्नर्स का विभाजन किया गया हुआ है आईसीटी के ही हम लोग में पढ़ रहे हैं अलग नहीं है कुछ तो क्या था हमने बोला कि कुछ लर्नर्स फर्स्ट लेवल में आते हैं कुछ लर्नर सेकेंड लेवल कुछ लर्नर थर्ड लेवल में आते हैं और कुछ लर्नर हमारे फोर्थ लेवल में आते हैं राइट फर्स्ट लेवल में कौन कौन से आते हैं वो सारे लर्नर्स एक मुझे देना बिल्कुल ठीक है 943 थैंक यू रितु मेहरा मुझे 955 पे याद दिला देना 955 पे धड़ाधड़ कमेंट कर देना ताकि मुझे दिख जाए ठीक 9:55 फिफ्टी शार्प क्योंकि 10 पीएम पे शार्प क्लास है हुँ। तो फर्स्ट लेवल लर्नर कौन हो गए इसको समझो इसको समझते हैं पहले फर्स्ट लेवल जो लर्नर्स होते हैं इनकी कैटेगरी में कौन कौन होते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी जिनको लगता है कि मुझे काम चीज सही मिलना चाहिए मुझे अगर बीस देना होगा तो मैं बीस दूंगा मुझे अगर पचास देना होगा तो मैं पचास दूंगी लेकिन जो चीज मुझे मिले वो बिल्कुल अच्छी मिले तो ये क्या है क्वालिटी के लिए क्वालिटी अच्छी प्राप्त करने के लिए अच्छा गुणवत्ता के लिए वो एजुकेशन को लेने के लिए हाई कॉस्ट देने को रेडी होते हैं वो अलग बात है कि भले ही आपसे ज्यादा पैसे ले ले, ले और फालतू क्वालिटी दे वो आपको बट एक मानसिकता ऐसी होती है फर्स्ट लेवल के जो लर्नर्स को जो कि क्वालिटी के लिए क्या करते हैं हाई कॉस्ट देने को तैयार हो जाते हैं एजुकेशन के लिए मतलब एमबीए करना है तो बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे क्यों क्योंकि हमारी सोच क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे तो कुछ ज्यादा क्वालिटी होगा वो अलग बात है कि वहां पर जाने के बाद में क्या चीजें आपको दें दूसरे सेकेंड लेवल पे कौन होते हैं यहां पे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ठीक कुछ कॉम्पिटिटेंट स्टूडेंट होते हैं कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य स्टूडेंट कुछ योग्य स्टूडेंट होते हैं कुछ बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर सकते है ना मतलब जो बहुत ज्यादा ज्यादा कॉस्टली एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं और कॉम्पिटेंट होते हैं दोनों ही होते हैं इसलिए वो क्या प्रेफर करते हैं इसलिए आसपास जो भी उनके इंस्टीट्यूशन है क्षेत्र में शहर में या आसपास के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जा करके वो पढ़ाई करते हैं और बहुत ही जल्दी वो उन स्टूडेंट से कॉम मतलब कंपटीशन कर लेते हैं जो कि फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट होते हैं जो कि आई में या आई में पढ़ रहे होते हैं ये उनसे कॉम्पिटिशन कर लेते हैं क्यों क्योंकि इंटेलिजेंट है ये कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट है तो कॉम्पिटेंट है का मतलब क्या हुआ इट जो पढ़ाई आपको आसपास के इंस्टीट्यूशन में कराई जा रही है आपकी ग्रासविंग पावर इतनी बढ़िया है कि आप उस पढ़ाई को करते हुए आप फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट जो कि ज्यादा पैसा दे करके आईआईटी और आई में पढ़ रहे हैं आप उनको बीट कर देते हो ठीक एक बात समझ में आई तीसरा क्या है थर्ड लेवल पे कौन से स्टूडेंट हुए

ऐसे भी पचपन नंबर से कैसे साठ नंबर से बहुत कम नंबर से पास हुए हैं पैसे भी नहीं है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े एकेडमिक्स भी बहुत पुअर रहा है तो ठीक है बहुत ही क्वालिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो बस पढ़ लेते हैं तो थर्ड लेवल में बहुत होते हैं फोर्थ लेवल में कौन होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पर्सन पुअर पीपल मतलब ये ऐसे लेवल के स्टूडेंट होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं और पुअर होते हैं मतलब पढ़ने की अगर इच्छा भी हो तो भी पढ़ नहीं सकते क्यों? क्योंकि पुअर है गरीब है तो ये चार हैं यहां से मैचिंग क्वेश्चन आता है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से देखते हैं फर्स्ट लेवल पे वो स्टूडेंट्स हो गए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हाई कॉस्ट को आप बताना कि आप किस लेवल पे हो ठीक है आपके लिए एक नया लेवल में और लेके आऊंगी वैसे फिफ्थ लेवल तो पहले लेवल पे वो हुए कि जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को क्वालिटी के लिए ठीक दूसरे लेवल पे वो हुए कि जो इंटेलिजेंट होते हैं कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अपने आसपास की जो एग्जिस्टिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जाकर के पढ़ते हैं और साथ में फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट से कॉम्पीट कर लेते हैं थर्ड लेवल पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एकेडमिकली और फाइनेंशियली थोड़े से पुअर होते हैं तो इस वजह से पढ़ तो लेते हैं बट बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ पाते हैं फोर्थ लेवल पे वो होते हैं जो कि लिटरेट होते हैं और जो पुअर होते हैं फिफ्थ लेवल ये हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट भी हो कॉम्पिटेंट भी हो और सेल्फ स्टडी से आप पढ़ सकते हो तो फिफ्थ लेवल पे भी है बट सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेना थोड़ा सा अपने लिए चैलेंजिंग होता है बट अगर आप इंटेलिजेंट हो कॉम्पिटेंट हो और कैलिबर वाले हो तो आप कर सकते हो ठीक तो आप बताओ कि आप फर्स्ट लेवल में हो सेकेंड लेवल में हो थर्ड या फोर्थ लेवल तो कोई नहीं होगा यहाँ पे है ना चलो बहुत बढ़िया चलिए कोई बात नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं पांच मिनट है मेरे पास आज के सेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं फटाफट से लिए आरती उपाध्याय कह रही है मैम हम थर्ड लेवल पे हैं आप थर्ड लेवल पे हो एकेडमिकली फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट्स हु सीक्स एक्सेस टू एडमिशन आप सभी लोग आप सभी लोग फिफ्थ लेवल पे हो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो कॉम्पिटेंट भी हो और कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आप लोग ज्यादा कॉस्ट दे करके आप लोग एजुकेशन को लो ठीक और आप लोग कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन भी क्रिएट कर सकते हो फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए एक अलग ही लेवल क्रिएट कर दिया गया है फिफ्थ लेवल इंटेलिजेंट भी हो कॉम्पिटेंट भी हो वो कोई जरूरत भी नहीं है आप लोगों को ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और ऑब्जेक्टिव समझते हैं आईसीटी के अंतर्गत में हायर एजुकेशन में पहला क्या है फटाफट से देखते हैं ये इंप्रूव करने की बात करता है क्या एक्सेसिबिलिटी मारे पहुंच कहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की किस तक आप तक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल करके हम इंप्रूव करना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी पहला उद्देश्य दूसरा आईसीटी हायर एजुकेशन में क्यों लाया जा रहा है क्योंकि आईसीटी का इस्तेमाल करके हमने बोला कि हम आपको टीचिंग देंगे कैसे देंगे टीचिंग यानी कैसा शिक्षण देंगे बिल्कुल क्वालिटी वाला कहां देंगे स्पेशली रिमोट एरियाज में माने माने वहां जहां पर शिक्षा आसानी से न पहुंच पाती हो वो गरीब है बच्चे या वो डिसंटेज है तो वहां पे हमने क्या बोला कि आईसीटी का इस्तेमाल करके उच्च शिक्षा देंगे किसको रिमोट एरियाज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कैसे आईसीटी का इस्तेमाल करके और क्या क्वालिटी बात ठीक तो एक्सेसिबिलिटी की बात बोली गई क्वालिटी की बात बोली गई तीसरा इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे क्या बढ़ाओगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे यानी कि पारदर्शिता बढ़ाओगे कहां पारदर्शिता बढ़ाओगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स में कंपाइलेंस में प्रोसेस में एजुकेशन सिस्टम में िकुलम में क्या बढ़ाओगे पारदर्शिता बढ़ाओगे इसलिए आईसीटी का इस्तेमाल किया गया यानी कि अगर पचास बच्चे पास हुए हैं तो इट मीन की पचास बच्चे पास हुए हैं आप दिखा नहीं सकते कि सत्तर बच्चे पास हुए हैं ठीक चौथा है क्या मेजरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन मेजर करोगे क्या मेजर करोगे कि, कि कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स इफेक्टिव तरीके से यानी प्रभावी तरीके से कितने बच्चे क्या है लर्न कर पा रहे सीख पा रहे हैं पांचवा रहे हो ताकि आपको maximize करना है क्या मैग्जी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सके बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो आप उनके रिटेंशन चाहते हो यानी कि एक बार दो तो क्लास में पढ़ा उससे काम नहीं चलेगा बार बार पढ़ना होगा यानी कि रिटेंशन पुनर्वृत्ति होनी चाहिए रिपिटेशन होना चाहिए ठीक और फिर क्या इंप्रूव करेंगे क्या प्लेसमेंट यानी कि सर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा आपकी प्लेसमेंट भी करानी पड़ेगी जॉब भी दिलानी पड़ेगी पांचवा पॉइंट पॉइंट छठा ये एनालाइज करना करना क्या करना विश्लेषण विश्लेषण क्या चाहते हो आप आईसीटी के माध्यम से उच्च शिक्षा में हम एनालाइज करना चाहते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आपके प्लेसमेंट को आपके एप्लीकेशन को कितने लोगों ने अप्लाई किया कितने लोगों ने पास ऑन किया उसके साथ में वेबसाइट एनालिटिक्स को मतलब कि वेबसाइट पे कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं और वेबसाइट्स के माध्यम से आपकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करना सिर्फ इतना ही नहीं सोशल मीडिया मैट्रिक्स को भी आप क्या करेंगे ऑडिट करेंगे ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल करना तो जो चीज ट्रांसपेरेंट है जो चीज में पारदर्शिता है जिस भी चीज में तकनीक है उस चीज में आपके प्लेसमेंट को परफॉर्मेंस को यहां पर छुपाया नहीं जा सकता या गलत नहीं किया जा सकता और अगर किया जाएगा तो वो ट्रेस में आ जाएगा तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके आईसीटी के अंतर्गत में हायर एजुकेशन के अंतर्गत में आई होप कि आज का सेशन आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है आगे मैंने काफी सारी चीजें और भी यहाँ पे पीपीटी बना ली थी बट आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर पाई स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में लिमिटेशन ऑफ आईसीटी को समझेंगे और सेशन पसंद आया हो जेनुअनली तो लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा मेरी सभी क्लासेस फ्री है बिल्कुल हम करते हैं और हो रहा है। टेलीग्राम पीडीएफ अच्छा ये तो एक बात हो गई दस बजे हमारी क्लास है एक दूसरी कॉमर्स की क्लास है तो पैंतालीस मिनट की वो क्लास रहेगी जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास जरूर से आप देखेगा वहां पे मैं आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ और बिजनेस मैनेजमेंट की दूसरी क्लास है ठीक इतनी से बात थी सोशल मीडिया हैंडल जहां भी एक फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम का ये लिंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी फीडबैक और बाकी सारी क्लास की अपडेट्स एंड डिटेल्स पैशनेट बरिए मोटिवेशन सभी के अंदर भर भर के होना चाहिए बहुत ही बढ़िया थैंक यू सो मच अच्छा ये जो सेशन है आईसीटी का ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मतलब कुछ लोगों को थोड़ा सा अ, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी तकलीफ होती है तो आईसीटी के सेशन को आप लोग डेली बेसिस पर अटेंड करिएगा रोज नौ बजे शाम हमारी क्लास चलती है नाइन पीएम पर फिक्स क्लास है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री क्लास है स्ट्रक्चर वाइज क्लासेस चलती हैं आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के ये देखो ध्यान से स्क्रीन पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना और यहां जाने के बाद बिल्कुल पहली प्ले है एनडीए यूडीसी नेट दो के नाम से इस इसपे क्लिक करना और जैसे ही इस इसपे क्लिक करोगे आपको कम्युनिकेशन की सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर चुके हैं हायर एजुकेशन कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कर चुके हैं और इसके साथ में क्या क्या किया हुआ है हमने हाँ ये किया है और अभी हमारा आईसीटी चल रहा है

और नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो कॉमर्स की होगी सभी को शुभ संध्या मिलते हैं हम लोग अब से ठीक छह आठ मिनट के बाद में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना फिर मैं आपके डाउट्स को वहां पे एड्रेस कर दूंगी टाटा एंड बाय